जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका विजयपथ डिफेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनालॉजी का अंतिम पार्ट, पार्ट 3 आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका चला था एनालॉजी का, जिसका अंतिम पोर्शन है ये। तो आर्मी स्पेशल के साथ साथ आपके हिमाचल पुलिस एग्ज़ाम के लिए और HPSSC के जितने एग्ज़ाम है और बेसिक लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अभी तक आपने एनालॉजी के प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक उस मिल जाएगा, जहां से आप इसको इजीली देख सकते हैं। साथ में आई बटन के ऊपर क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो जल्दी ही शुरुआत करते हैं इसकी। मिशन 2021 आपके लिए रहेगा, तो स्टार्ट है आज का हमारा पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, धागे को कपड़ा बोला गया है तो तार को क्या बोला जाएगा। साथ में आपको नोट ज़रूर बनाते चलना है अपनी कॉपी के ऊपर, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चन हैं, वो ऑल ओवर सारे कवर हो जाएं। धागे का संबंध कपड़े से बताया गया है, तो उसी प्रकार बताना है कि तार का संबंध किससे आएगा। तो तार का संबंध किससे है, सबसे पहले धागे और कपड़े से आपको रिलेशन ढूंढना है। तो धागा जो है, धागों से जो है वो कपड़े बनते हैं, उसी प्रकार तार से क्या चीज़ बनाई जाती है, तो तार से जो है वो छलनी बनाई जाती है। यहाँ पे जाली भी इसका करेक्ट आंसर रह सकता है, बट मोस्ट प्रेफर हम करेंगे छलनी को आंसर। नेक्स्ट वन है, समाचार पत्र का संबंध संपादक से है तो नाटक का संबंध किससे होगा। यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन आपको ढूंढना है कि समाचार पत्र और संपादक में क्या रिलेशन है। तो समाचार पत्र में खबरों को जो व्यवस्थित करता है उसे संपादक कहा जाता है। तो नाटक का संबंध किससे आएगा, तो नाटक को कौन जो है वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, कौन उसको एक्शन लेता है नाटक के ऊपर, तो वो है हमारा निर्देशक, डायरेक्टर जो है इसका ऑप्शन डी निर्देशक करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। घड़ी का संबंध समय से है तो घड़ी जो है वो क्या समय बताती है, समय बताती है। उसी प्रकार थर्मामीटर क्या बताता है, तो थर्मामीटर हमें तापमान बताता है, जिसमें ठंडा और गर्म दोनों ही इंक्लूड होते हैं। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर गैस करें, साथ में अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलें और विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वन है, पुस्तक का संबंध लेखक से है तो मूर्ति का संबंध क्या है, मूर्ति का संबंध किससे होगा। तो पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया था, तो आपका है पुस्तक का संबंध लेखक से है तो मूर्ति का संबंध किससे होगा। तो पुस्तक की रचना जो है वो लेखक करता है, मतलब पुस्तक को लिखा जाता है लेखक के द्वारा। तो मूर्ति को किसके द्वारा बनाया जाता है, मूर्तिकार के द्वारा बनाया जाता है। एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो फर्स्ट के दो आपके बताए जाते हैं उन्हीं में आपको रिलेशन ढूंढना होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख का संबंध मृत्यु से है तो खुशी का संबंध किससे होगा। दुख का संबंध मृत्यु से है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सभी दुखी होते हैं, वैसे ही खुशी कब होती है, रोने से, जन्म से, प्रेम से या फिर नृत्य से। तो खुशी जब जब होती है तब किसी का या जन्म होता है तब हमें खुशी होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, लड़की के लिए सुंदर तो लड़के के लिए क्या होगा। लड़की के लिए जो है वो सुंदर बोला जाता है, जिस प्रकार जैसे लड़की देखने में अच्छी है तो उसे सुंदर बोला जाता है, तो वैसे ही अगर लड़का भी अच्छा है तो उसे सुंदर की जगह क्या बोला जाएगा, रूपवान बोला जाएगा, आकर्षक बोला जाएगा, चमकीला या फिर गोरा बोला जाएगा। तो जैसे सुंदर का मतलब है देखने में अच्छा, तो उसी प्रकार देखने में अच्छा जो है वो आकर्षक भी बोला जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, रेत के लिए रेगिस्तान बोला गया है तो पानी के लिए क्या बोला जाएगा। जैसे रेत का संबंध रेगिस्तान से है तो क्या संबंध है यहाँ पे, रेत का जो विशाल भंडार है, रेत का जो भंडारण होता है
जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी रेत, उसको रेगिस्तान बोला जाता है। तो उसी प्रकार जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होता है, पानी सबसे ज़्यादा स्टोर है, भंडार है, उसको क्या बोला जाता है, उसको समुद्र बोला जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पनीर का संबंध दूध से है तो चीनी का संबंध किससे है? तो पनीर और दूध में सबसे पहले आपको रिलेशन ढूंढना है। इजी है, कॉमन सा एक क्वेश्चन है। पनीर जो है वो दूध से बनता है, तो उसी प्रकार चीनी किससे बनती है? तो चीनी जो है ये बनती है गन्ने से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का संबंध तारों से है तो समुद्र का संबंध किससे है? आकाश में क्या होते हैं, सबसे अधिक तारे होते हैं, तो समुद्र में क्या चीज़ होता है, जल तो होता ही है, ये तो हम सभी बताते हैं, लेकिन सबसे अधिक तारे हर टाइम नहीं रहते हैं, वो चमकते रहते हैं। उसी प्रकार समुद्र में दूर से कोई चीज़ दिखाई देती है तो उसको कहा जाता है टापू। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, गोले का संबंध घन से है तो वृत्त का संबंध किससे होगा? गोले को घन बोला गया है तो वृत्त का संबंध किससे होगा? यहाँ पे बता दूँ, गोले की तरह ठोस वर्गाकार आकृति जो है उसको घन बोला जाता है। उसी प्रकार वृत्त की अगर मैं बात करूँ, सर्कल की बात करूँ, उसकी आकृति को, उसी प्रकार की आकृति को वर्ग भी बोला जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, अक्षर का संबंध शब्द से है। तो शब्द का संबंध किससे है? यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अक्षर अक्षर को मिला के शब्द बनता है, मतलब मिलने की बात की गई है कि जब अक्षर और अक्षर को मिला दिया तो शब्द बनता है। तो जब शब्द और शब्द दोनों को मिला दिया जाए तो क्या चीज़ बन जाती है, तो उसे वाक्य कहते हैं। शब्द और शब्द को मिला के वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट वन है, वर्षा का संबंध छतरी से है तो धूप का संबंध किससे होगा? वर्षा जो है वो हम कब सॉरी छतरी जो है वो कब यूज़ करते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो धूप से बचने के लिए, मतलब वर्षा से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी वर्षा से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हैं। तो धूप से बचने के लिए किसका यूज़ करेंगे, छाया का, चश्मे का, कूलर का, या फिर रोशनी का? तो यहाँ पे ऑप्शन छाया तो आंसर नहीं है, रोशनी भी नहीं आएगा, दो ऑप्शन के ऊपर डाउट है, चश्मा या कूलर। कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि ज़्यादा गर्मी है तो कूलर यूज़ कर लेंगे, बट यहाँ पे धूप बताया गया, धूप बाहर होती है लेकिन गर्मी जो है वो अंदर भी होती है, तो गर्मी के लिए कूलर आएगा और धूप के लिए मेरा चश्मा आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, मोती का हार तो फूल का क्या आएगा? मोतियों से हार बनता है, वैसे ही फूलों से क्या बनता है, इस चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो फूलों से यहाँ पे एक सबसे अच्छा ऑप्शन अगर होता तो उसी को प्रेफर करते, वो है हमारी माला। मोती से हार बनाया जाता है तो फूल से माला बनाई जाती है, बट माला तो ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कौन सा एक फिट बैठ रहा है, वो है हमारा गुलदस्ता। तो फूलों से बनाया जाता है गुलदस्ता। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, बर्फ का भाप है तो ठंडे का क्या आएगा? बर्फ का जो है वो भाप है तो ठंडे का क्या आएगा? बर्फ का अपोजिट वर्ड है भाप। बर्फ को इसलिए बोला जाता है क्योंकि बर्फ एक ठोस है, एक सॉलिड फॉर्म होती है बर्फ हमारी, लेकिन जब उसको हम गैस में चेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। तो उसी प्रकार ठंडे का विलोम शब्द या अपोजिट शब्द क्या रहेगा ठंडे का, वो है गरम। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, जीवन का बताया गया है मृत्यु तो आशा का क्या आएगा? आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जितना एफर्ट हम आपके लिए लगा रहे हैं उतना ही एफर्ट आपको अपनी तरफ से भी लगाना पड़ेगा, तभी आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे तब तक जो है वो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक
नहीं कर सकते। वीडियो को सिर्फ देखने से ही आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे, साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो को 2 या 3 बार देखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बार बार हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे अधिक मेहनत करें ताकि आपकी कोई भी पोस्ट जो है, जो आपके नाम की है, जो आपकी सीट है, उसको कोई भी छीन ना सके। तो जीवन का संबंध मृत्यु से है, तो आशा का संबंध किससे होगा? यहाँ पे विलोम शब्द बताए गए हैं, अपोजिट वर्ड। जीवन का अपोजिट होता है मरना, जीने का मरना। तो आशा का क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है, आशा होता है निराशा। आशा का मतलब होता है होप, होप किसी से कोई इच्छा रखना, होप रखना, उम्मीद रखना, तो उसका विलोम है निराशा। नेक्स्ट वन है, ऊन का संबंध भेंट से है, तो रेशम का संबंध किससे है? तो ऊन जो है वो हमें किससे मिलती है? वो हमें भेंट से मिलती है। उसी प्रकार रेशम किससे मिलता है? एक कीड़े से मिलता है। तो रेशम का संबंध हो जाएगा इल्ली से। इल्ली जो है एक कीड़ा है जिससे रेशम मिलता है, और मुख्य रूप से ये सब्जियों में होता है। नेक्स्ट वन है, शरीर का संबंध चेहरे से बताया, तो कमरा, कमरा का संबंध किससे आएगा? शरीर का संबंध चेहरे से है, तो आपको बताना है कि चेहरा जो है वो एक शरीर का भाग है। उसी प्रकार कमरे का कौन सा भाग है? तो कमरे का भाग है दरवाज़ा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको देखना है कि कौन से दो मेन पॉइंट जो हैं वो आपस में कोरिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है, हाथ का बताया गया है कोहनी, तो टांग का क्या आएगा? हाथ के थोड़ा सा पीछे हमारी कोहनी होती है, तो टांग के पीछे क्या होता है? टांग के पीछे हमारा घुटना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए इस वीडियो का, और लास्ट ही पार्ट आपके लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम रीजनिंग का स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया है तिथि का संबंध कैलेंडर से है, तो समय का संबंध किससे आएगा? तिथि का मतलब है डेट, तो डेट हम कहाँ पे देखते हैं? डेट हम देखते हैं कैलेंडर में। तो समय कहाँ से देखते हैं? चार्ट से, वर्ष से, घड़ी से, या फिर सूर्य से? तो इसका जो सही आंसर है समय का, तो हमारा रहेगा घड़ी। समय हम कहाँ से देखते हैं? घड़ी से। आई होप आपको सारी की सारी जो हमारी वीडियोस थी आपने वो देख ली हैं, एनालॉजी आपके दिमाग में फिट हो गया है। वीडियो को ज़रूर आपने बार बार देखना ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो आप क्लियर कर सके। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपने अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ में बनाते चलना है। इसकी जो PDF है वो आपको WhatsApp ग्रुप में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। साथ में जितनी आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे सांस लेने के लिए भी हमें सांस जो है वो पहले छोड़नी पड़ती है, रिलीज़ करनी पड़ती है, उसी प्रकार सफलता पाने का भी एक मूल मंत्र है, वो है मेहनत। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको अच्छा मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको पहले कुछ करना पड़ता है, वो उस करने को ही कहा जाता है मेहनत। तो आप मेहनत करें, अपनी पोस्ट पक्की करें, सीट पक्की करें, ताकि आप आर्मी, पुलिस और जितने भी हमारे सरकारी एग्ज़ाम हैं, सरकारी जॉब्स हैं, आप उसमें सेलेक्ट हो पाएँ। तो वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर सामने नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मिला है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके जो हैं वो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, PDF, स्टडी मटेरियल, HPG के नोट्स, NDAG के नोट्स, साथ में आर्मी से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आती हैं, या पेपर के रिगार्डिंग जितनी भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।